अच्छा, यहाँ पे वो कुत्ता है जिसके आप मुझे बता रहे थे बात। अभी वो जैसे ही हम खड़े होंगे ना वहाँ पे जाके, तो वो आ जाएगा भौंकने। क्या आप हमारे व्यूवर्स के लिए बता सकते हैं उस कुत्ते की स्टोरी? वो देखो, ये वो कुत्ता है, वो अभी तक 4 साल हो गए और ऐसे का ऐसे ही बैठा होता है। ये ऐसे ही बैठा होता है और जैसे ही हम इसकी तरफ देखते हैं तो ये आ जाता है। I want you. ये बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है अक्सर। जर्मन शेफर्ड है आजा। और आजा बाके। तरबियत जो है वो अच्छी तरह नहीं हुई हुई। बाकी नेबरहुड में आपको मैं थोड़े से रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, आप शीशे को नीचे ही रखें ताकि रेस्टोरेंट्स को अच्छी तरह कैप्चर कर सकें। ये एल ओलिव है, ये रेस्टोरेंट आप देखोगे अगर यहाँ से आप कैप्चर कर सको, ये बहुत ज़बरदस्त इटालियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे पिज़्ज़ा, पास्ता और टापास मिलते हैं। और ये हलाल है? असल में कुछ चीज़ें इनकी हलाल हैं लेकिन सारी चीज़ें हलाल नहीं हैं। सही है, ज़ाहिर है हर रेस्टोरेंट पे अगर वेजिटेरियन और इस तरह की चीज़ें होंगी तो वो हलाल होंगी। बाकी वो मेजर टॉम बर्गर्स, बर्गर जंकी, उसके बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे ना बर्गर का। अभी मैं आपको नेबरहुड के बारे में और भी बताऊँगा। यहाँ पे ये जो इलाका है इसको क्या कहते हैं, कॉफी डॉल ईस्ट, बल्कि ये मेलबर्न ईस्ट है। मेलबर्न ईस्ट, तो मेलबर्न ईस्ट के अंदर यहाँ पे एजड केयर के बहुत होम है, यानी कि जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं। तो मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत सब दिखाता हूँ कि किस तरह से इन्होंने बनाया होता है एजड केयर के। वैसे ये 5 मिनट का शॉर्ट्स रखिएगा, 5 मिनट्स के हम शॉर्ट्स बनाए थे।